अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी तो मैंने हीटर ऑन कर लिया है मामा की तरफ, तो फिर गर्मी लगती तो वापस बंद कर देती हूँ। मैंने सोचा है कि आज आप लोगों को बताऊँ कि मैं अपने फारिग टाइम को कैसे स्पेंड करती हूँ। वैसे तो फारिग टाइम कम ही मिलता है, क्योंकि जो फारिग टाइम होता है उसमें वीडियो एडिटिंग और वॉइस ओवर करती हूँ, और उसके अलावा कभी कभी फारिग टाइम मिल जाए तो मैं मेहंदी लगाती हूँ। तो आज भी मैं टाइम निकाल के मेहंदी लगाने के लिए बैठी हूँ। असल में मुझे मेहंदी लगाने का काफ़ी पैशन है और बहुत सालों से है, और अगर मैं इसको कंटिन्यू करती तो आज मैं एक बहुत सक्सेसफुल मेहंदी आर्टिस्ट होती। अभी भी अच्छी लगा लेती हूँ, पर वो वाली नीटनेस नहीं है हाथ में। डिफरेंट रीज़न की वजह से इसको मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी, बट अब दिल को तसल्ली देने के लिए अब जब कभी टाइम मिलता है तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। और अब तो कोई और होता नहीं है, ज़्यादा बंदे होते नहीं हैं पास, तो अपने हाथ में डिफरेंट डिज़ाइंस ट्राई करती रहती हूँ। तो आज भी मैं बैठी हूँ मेहंदी लगाने के लिए। पहले बड़ी मुश्किल से ट्राईपॉड को सेट किया, अपना फ़ोन उधर लगाया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, और उसके बाद दूसरे फ़ोन में मेहंदी की डिज़ाइन लगाया। तो बच्चों को भी साथ साथ देखना था, जरपाज बार बार आके बीच में वो कर दी थी। पहले तो एंगल ही ना सेट हुआ, बड़ी मुश्किल से ट्राईपॉड का और फ़ोन का एंगल सेट किया। उसके बाद फिर बैठ गई तो फ़ोन बार बार लॉक हो जाए। आपने शुरू में मेरी स्ट्रगल देखी होगी कि कितनी मेहनत से मैंने सारा कुछ सेट किया, और अब फाइनली बैठ गई हूँ मेहंदी लगाने के लिए। तो आए हो बच्चे बुरा के रोने से पहले पहले मेरी मेहंदी का डिज़ाइन कम्प्लीट हो जाए। मेहंदी को मैंने जैसे जैसे करके कंप्लीट कर ही लिया है, काफ़ी सारे पॉजेस दे के। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। जिस जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।